दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड के पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। मौत का रेशियो भी कम हुआ है। एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब 125 से ज़्यादा मौत हो गई थी। आज दिल्ली में 55-60 के आसपास मौत हो रही है, और भी कम करनी है, लेकिन पहले के मुकाबले आधी मौत हो गई है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था, देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का इलाज नहीं है। सबको नमस्कार। दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। तो एक तरह से इसको पॉजिटिविटी रेशियो कहते हैं, इस तरह से इसमें सुधार हुआ। दिल्ली में अब रोज़ 20,000 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। और अभी अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के, आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने बेड कहाँ खाली हैं। ज़्यादा लोग जो हैं उनका घरों में, जैसे आज 25,000 अभी टोटल आज दिल्ली में मरीज हैं करंट, अभी 25,000, उनमें से 15,000 मरीज घरों में उनका इलाज चल रहा है। तो घरों में जो हमारा प्रोग्राम है लोगों की देखभाल करने का, घरों का होम आइसोलेशन का प्रोग्राम, हर घर में हम ऑक्सीमीटर पहुंचाते हैं, वो बहुत सफल हुआ है और लोग घरों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। मौत का रेशियो भी कम हुआ है। एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब 125 से ज़्यादा मौत हो गई थी। आज दिल्ली में 55-60 के आसपास मौत हो रही है, और भी कम करनी है, लेकिन पहले के मुकाबले आधी मौत हो गई है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था, देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती
तब तक कोरोना का इलाज नहीं है। लेकिन तब तक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्रायल किए गए दिल्ली में, ट्रायल के जो नतीजे आए, वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को कोरोना में मदद मिलती है, जो मॉडरेट पेशेंट हैं वो सीवियर होने से बचते हैं, उनकी स्थिति सुधर जाती है, मौत के ऊपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया था। अभी तक दिल्ली में प्लाज्मा लेने वालों की अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था प्लाज्मा चाहिए तो कहां जाएं। अब वो अफरा तफरी कम हुई है, पिछले कुछ दिनों के अंदर लोग, सबको पता है अब ILBS जा सकते हैं, ILBS में प्लाज्मा मिल रहा है। पिछले हफ्ते 4-5 दिन, बृहस्पतिवार को ये प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था, पिछले 4-5 दिन में जितनी डिमांड है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। मतलब प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम है, प्लाज्मा की मांग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से, तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाज्मा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा, आपके आने जाने का पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कोई भी, कुछ लोगों ने ये कहा जी अगर हम दोबारा कोरोना के अस्पताल में जाएंगे, अपने साथ अगर किसी को लेके जाएंगे उनको कोरोना आ जाएगा। हमने प्लाज्मा बैंक ILBS में बनाया है। ILBS नॉन कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई कोरोना के मरीज नहीं है, तो वहाँ जाने से आपको कोरोना नहीं होगा, इसके लिए आप चिंता मत करें। मेरी एक टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो कोरोना से जो मरीज ठीक हुए हैं उनको कॉल कर रही है, फ़ोन कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है, अपील कर रही है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आपको भी ऐसा कॉल आए तो आप ज़रूर हाँ बोलिएगा, मना मत करिएगा। और सभी अस्पतालों से मेरी अपील है, जितने भी अस्पताल कोरोना का इलाज कर रहे हैं, कि जब आपके यहाँ से कोई मरीज ठीक होके जाए तो बिठा के 5 मिनट उसकी काउंसलिंग कीजिएगा कि 14 दिन के बाद, ठीक होने के 14 दिन के बाद वो प्लाज्मा जरूर दे। अभी तक पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने प्लाज्मा दिया है, एक तरह से वो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैंने कल कुछ लोगों से बात की जो कोरोना से ठीक हो गए थे, जिनको 14 दिन पूरे हो गए थे, उन लोगों को फ़ोन करके मैंने खुद उनसे बात की और मुझे बहुत खुशी हुई जो रिस्पांस मुझे उन लोगों से मिला। सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने और भी कई लोगों से बात की थी कल और सबके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स थे। एक व्यक्ति ने तो कहा जी हम 6 दोस्त हैं, 6 के 6 दोस्तों को कोरोना हो गया था, सब लोग ठीक हो गए हैं और अपने 14 दिन पूरे होते ही हम सब लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे। ये सब लोग हमारे हीरो हैं, ये सब लोग निस्वार्थ भाव से डोनेट कर रहे हैं, इनको क्या पड़ी थी। ये कोरोना हुआ, इन लोगों को ठीक हो गए, ये भी घर जाके बैठ जाते, लेकिन ये सब लोग समाज के लिए, किसी की जान बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये सभी लोग मेरी उम्मीद हैं, ये सभी लोग दिल्ली के लोगों की उम्मीद हैं। मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को, पूरे समाज को सम्मान करना चाहिए, और ख़ास तौर से सभी RWS से मेरी उम्मीद है कि ऐसे लोग जो जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं अपने अपने इलाके में, इनका भव्य सम्मान होना चाहिए, सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, पब्लिक के बीच में इन सब लोगों का सम्मान होना चाहिए। नमस्कार। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो। दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से लगभग 72,000
मरीज ठीक हो गया। जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे, 100 लोगों के टेस्ट करते थे, तो उसमें से 35 लोग कोरोना के मरीज निकल के आते थे। अब दिल्ली में हम 100 लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो केवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं। दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड के पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। मौत का रेशियो भी कम हुआ है। एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब 125 से ज़्यादा मौत हो गई थी। आज दिल्ली में 55-60 के आसपास मौत हो रही है, और भी कम करनी है, लेकिन पहले के मुकाबले आधी मौत हो गई है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था, देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का इलाज नहीं है।